मेल भी बनाते हैं और वो भी बना बोथ. अच्छा ओके ऑल राइट. तो आपको खुद पर्सनली किस चीज़ का शौक फॉर योर सेल्फ? डिज़ाइनिंग में मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने शुरू किया था अपने घर वालों के बनाने, तो मेल्स के भी वार्डरोब करता था मैं पहले, और फीमेल्स दोनों, मतलब घर में दोनों तरीके के. आहिस्ता आहिस्ता फिर मेल्स तो आपको पता है चार जोड़े सिलवा के वो बैठ जाते हैं, फिर वो अगले साल पे दो साल पे बात आती है वो चार रंग. लेकिन आजकल तो मैंने देखा है कि द यंग लॉट एंड बड़ा कलरफुल भी हो गया है. ओकेजनली वो चार छह जोड़े बना लेते हैं, फिर वो उसी को चला उसी को चला. मैंने तो आजकल बॉयज देखे हैं, वो तो बहुत फैशनेबल है, वो फंकी और वो सब कुछ बड़ा ट्रेंडी हो गया आजकल. बहुत सैलून भी जाना एंड ऑल दैट है ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो आजकल ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है. दे वेरी पर्टिकुलर अपने, वो सिर्फ नाई तक बात नहीं रही कि मुझे इस हीरो का ये स्टाइल आया तो वो बना दे, बात बहुत आगे चली गई. बहुत अब जो टीनएजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें, लेकिन वो टीनएजर्स भी बहुत ज़्यादा चूजी और वो हो गए हैं कि बंदा उनके लिए माइंड उनका उनको खुश ही नहीं कर सकता. व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस इन कराची? आप अगर शुरू में, मैं जाता था राबी चला जाता था, और ये अब तो आशियाना पूरा भरा हुआ है, आप जाएँ आशियाना से ले लें. कुर्तुबा मार्केट बहुत अच्छी है, हर चीज़ के लिए एक मार्केट, कपड़ा मिल जाता है बिल्कुल इजीली. तो मेरे साथ दुबई शॉपिंग मॉल्स हैं, उधर चले जाएं आप, एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाता है. नहीं, मुझे यहाँ पे जैसे अगर मैंने कोई चीज़ दी है जो कॉटन की है या थोड़ा स्ट्रेच है उसमें या थोड़ा सा डिफरेंट कपड़ा है, तो मुझे वो उससे महंगे में पड़ी और ठीक ठाक. तो बंदा बनाए क्यों जब, तो वो दैट इज कस्टम मेड. तो आपको पता है फिर वो चीज तो महंगी होगी. क्यों? आपने सैंपल दिया है और वो कहा है कि बना दें आप, कपड़ा ले आए, कपड़े की प्राइस ले लें और अपनी प्राइस ले. नहीं, जो हम देखते हैं फिर हम टैग चेक करेंगे कि किस डिजाइनर का ये बाहर इंटरनेशनल डिजाइनर कौन है इसका. तो वो चीज से कंपेयर करके पीछे से टैग काट के देंगे, नाम होना ही चाहिए ठीक है, लेकिन पता चल जाता है डिजाइन का, पता चल जाता है. हां, तो फिर उसके ऊपर महंगी हो जाती है वो चीज, जो कि अब सस्ती इसलिए होनी चाहिए कि आप दुकान से रेडीमेड लेंगे तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव, जब आप टेलर से कहीं से करवा रहे हैं तो वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए. टेलर होना चाहिए, दर्जी नहीं होना चाहिए. ये दर्जी, आप डिजाइनर और दर्जी का आप कहेंगे ना, दर्जी सिएगा वो अपने कट्स के साथ सिएगा, डिजाइनर बताएगा वो अपने तरीके से उसको बताएगा. आई मीन अगर सिर्फ कॉपी करना है एक ब्लाउज तो उसके अंदर तो कोई डिजाइनर का काम मुझे बताइएगा, मैं कॉपी करके ठीक है. ये मेरा, क्योंकि ये मेरे जो क्वेस्ट है और ये जो आई नो वुमेन कैन रिलेट टू दिस, वो नहीं वो चीज बनती. एनीवे, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया वास्ती. बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल को क्लिक करना ना भूलें.